Hello everyone, my name is Ashish Garg. I am a technical trainer at AAFT School of Animation. In this video, I am going to share information about how to set up your own game studio within low budget and free tools to design and develop your own games. So let's get started. तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन खास तौर से उन लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो अपना एक गेम डिजाइन स्टूडियो खोलना चाहते हैं और बहुत ही कम बजट में चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जानने से पहले या उसमें सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होने वाले हैं उनके डिटेल में जानने से पहले आइए चलते हैं पहले कुछ गेम कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक चार्ट मैंने यहाँ शेयर किया है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट शो किए हैं। वन इज़ गेम डिज़ाइन, अनदर वन इज़ गेम आर्ट एंड द थर्ड वन इज़ गेम प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली किसी भी गेम कंपनी में तीन मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स। गेम डिज़ाइन में जनरली वो लोग काम करते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट या बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस का पार्ट जो गेम डिज़ाइन के थ्रू करते हैं। गेम आर्ट में वो लोग काम करते हैं जो बेसिकली कोई भी एसेट्स या कंपोनेंट्स को डेवलप करते हैं जो गेम एनवायरनमेंट में आपको दिखाई देते हैं। और गेम प्रोग्रामिंग में वो लोग काम करते हैं बेसिकली जो गेम को इंटरेक्टिव बनाते हैं या गेम में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो प्लेयर के इनपुट के बिहाव पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं और कैसे चीज़ों आगे प्रोसेस होती हैं या लोग अलग अलग गेम्स के लेवल कैसे क्रॉस करते हैं। तो उस तरह की सारी प्रोग्रामिंग कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव बनाती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गेम प्रोग्रामिंग में काम करने वाले लोगों के अंदर आती है। सो दीज आर द थ्री मेजर रोल्स इन विच द एनी काइंड ऑफ गेम स्टूडियो वर्क। सो इसी को और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए चलिए देखते हैं गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में और कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो एक्चुअली कोई भी गेम डिज़ाइन जो स्टार्ट होता है सबसे पहले किसी आइडिया या गेम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। तो इस दौरान बहुत सारे गेम कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पर कुछ बहुत सारे गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स डेवलप होते हैं जिसमें जैसे गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, आर्ट बाइबल है, गेम स्टोरी है और मार्केट एनालिसिस है, रिसर्च एनालिसिस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम डॉक्यूमेंट्स डेवलप होते हैं जिसके बिहाव पर हम एक गेम प्रोटोटाइप बनाते हैं। फिर गेम आर्ट प्रोडक्शन में वो सारा डिपार्टमेंट के लोग आते हैं जहाँ पर वो गेम आर्ट कंपोनेंट्स जितने भी डेवलप होने हैं वो गेम आर्ट प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। फिर लेवल डिज़ाइनिंग है, फिर गेम प्रोग्रामिंग है, फिर उसके बाद गेम प्रोग्रामिंग के बाद उसकी टेस्टिंग होती है जब वो गेम फिनिश हो जाता है, फिर उसको डिप्लॉय करके देखते हैं ऑन अ डिजायर्ड डिवाइस विच यू वॉन्टेड टू डिप्लॉय। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ बग्स हैं तो टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस में उसके बग्स अपग्रेड करते रहते हैं। तो दिस इज द टिपिकल सिनेरियो ऑफ ए गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस के अंदर अलग अलग तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारे टूल्स के अंदर किसी भी स्टूडियो को अगर आप एक नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और एज ए स्टूडियो आप किसी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो आप किसी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से, इन्हीं जो सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ उनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने बताया गेम कंसेप्ट, ऑटोडेस्क स्केच बुक प्रो, ये बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर है बेसिकली उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं और जो कंसेप्ट ड्राइंग करना में इंटरेस्ट रखते हैं और डिजिटली वो बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज वन। जैसे मैंने बताया बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए आपको जैसे टूल होता है एक एमएस ऑफिस, उस तरह से एक ये टूल है ओपन ऑफिस, ये ओपन सोर्स है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारी डिफरेंट टाइप के अलग अलग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 2D गेम में काम करना चाहते हैं और आपको 2D ड्राइंग्स डेवलप करनी है तो एक टूल है विच इज़ कॉल्ड एज इंक स्पेस। तो इंक स्पेस भी 2D वेक्टर ड्राइंग डेवलप करता है, इसके थ्रू काफ़ी सारी ड्राइंग्स आप डेवलप कर सकते हैं। फिर गेम में बहुत सारी इमेजेस का भी रोल होता है, जैसे मान लिया अगर आप टेक्सचरिंग कर रहे हैं या डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं या कोई भी तरह की इमेज मैनिपुलेशन करनी है आपको तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है ये भी गिम, ये इमेज मैनिपुलेशन के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इट इज़ ए बिटमैप सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने बताया इंक स्पेस एक वेक्टर ड्राइंग टूल है, ये एक इमेज मैनिपुलेशन टूल है यानी बिटमैप सॉफ्टवेयर है। इसी तरह कोई भी गेम साउंड के बिना अधूरा है, तो जैसे एक freesound.org एक पोर्टल है, इसके ऊपर बहुत सारी फ्री साउंड अवेलेबल हैं और इसके अलावा यहाँ से साउंड डाउनलोड करने के अलावा अगर आप साउंड्स को एडिट करना चाहते हैं या कुछ उसमें इफेक्ट जनरेट करना चाहते हैं सो एक टूल है ऑडेसिटी, इसकी हेल्प से आप साउंड को उसमें इंपोर्ट करने के बाद फर्दर एडिटिंग करना चाहें, कुछ भी मिक्स करना चाहें
वो सब यहाँ कर सकते हैं। ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ साउंड। अगर आप 3D एसेट डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो इट इज़ अनदर वन ब्लेंडर, जो एक मार्वलस टूल है 3D प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं इसमें, गेम इंजन भी एक तरह से इन्वॉल्व है। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो गेम इंजन के साथ साथ इसमें विदाउट प्रोग्रामिंग भी आप नोड बेस्ड बहुत सारे कनेक्टिविटी के साथ इंटरेक्टिव कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर ए लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू आप गेम इंजन भी यूज़ कर सकते हैं इसका, और 3D एसेट डेवलपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक 2D गेम डेवलपमेंट के लिए विदाउट कोडिंग एक टूल आता है, गेम मेकर। तो जो लोग प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और वो स्टार्टअप से कुछ शुरू करना चाहते हैं तो नोड बेस्ड टूल गेम मेकर स्टूडियो एक अच्छा टूल है एक 2D गेम्स बनाने के लिए। और इसके अलावा ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और अनबीटेबल टूल है यूनिटी, जो 2D और 3D दोनों में यूज होता है, दोनों प्लेटफॉर्म के लिए। दिस इज अमेजिंग गेम इंजन। और ये एक अनदर टूल है अनरियल, ये भी एक AAA टाइटल गेम्स को, अगर आपको बड़े गेम्स बनाने हैं तो AAA टाइटल गेम्स के लिए ये एक बहुत अच्छा गेम इंजन टूल है। यूनिटी और अनरियल दोनों के केस में ये कुछ सर्टेन लिमिट्स देते हैं, उतने पर्टिकुलर अमाउंट तक आप अगर कोई कॉमर्शियल आपका नहीं है तो आपको पे नहीं करना है, और इसके अलावा अगर उससे ज़्यादा हायर रेंज में आप जाते हैं तब आपको पे करना है, अदरवाइज नहीं पे करना है। तो जैसा कि आपने देखा ये इस तरह के बहुत सारे टूल्स को यूज़ करके आप अपना गेम स्टूडियो डेवलप कर सकते हैं और अपने गेम आइडिया को मार्केट में ला सकते हैं। सो दोस्तों, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की और बहुत सारी ढेर सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।